इस सप्ताह का इंडियन आइडल एकदम सुपरहिट होने वाला है, क्योंकि शो के नए मेहमान बने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अनुराधा पौडवाल जी और कुमार सानू। उसी के साथ इंडियन आइडल को मिल गया है अपना तीसरा जज। जी हाँ, अभिनय गायक कहें या संगीतकार, अभिनेता कहें या फिल्म निर्माता, क्योंकि ये सभी काम ये अकेले ही करते हैं। इनका नाम है हिमेश रेशमिया। हिमेश जी को इंडस्ट्री में बहुत लंबा अनुभव है। इन्होंने 1998 से फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बॉलीवुड में संगीतकार के रूप में पदार्पण किया था। उस बीच भी कई सारी फिल्मों में संगीत दिया। इसके बाद 2003 में उन्होंने तेरे नाम फिल्म में संगीत दिया, जिसकी संगीत एल्बम उस वर्ष की सर्वाधिक बिकने वाली एल्बम थी। भावनगर गुजरात के रहने वाले हिमेश को आज पूरा भारत जानता है। शो में भी इनकी एंट्री ग्रैंड तरीके से हुई। फिर आते ही इन्होंने अपने स्टाइल में गाना शुरू कर दिया। हर कोई हिमेश जी की एनर्जी को देखकर खुद भी एनर्जेटिक हो गया। फिर मंच के हर कोने पर जाकर उन्होंने जाकर कमेंट्स दिए, वो भी सभी को भाया। उनकी मस्ती देखकर नेहा कक्कड़ के तो हंस हंस कर बुरे हाल हो गए। पर आते ही उन्होंने सनी को अपनी एक फिल्म में गाने का मौका भी दे दिया। ये झमेला हमें हिमेश जी के इंडियन आइडल शो में आते ही देखने को मिलने वाला है। आप सभी हिमेश जी को देखने के लिए कितना उत्साहित हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, टीवी और बॉलीवुड दुनिया की ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए देखते रहें बॉलीवुड झमेला। धन्यवाद।